फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, लास्ट क्लास जो था, लास्ट क्लास में हमने क्या करा, सारा पार्ट की मॉडलिंग जो है खत्म कर दिया था। तो सबसे पहला जो क्लास था, इन पहले क्लास में मैंने ये तीनों पार्ट का करवाया था। जिसने भी पहला क्लास नहीं देखा है उसने जाके पहला वाला क्लास देख ले, क्योंकि पहला क्लास में ये तीनों पार्ट का मैंने मॉडलिंग करवाया था। ठीक है, जो सेकंड क्लास था, जो सेकंड लेक्चर है, पार्ट टू है, इसमें आपको ये जैसे ये पार्ट है, दो पार्ट है और यहाँ पर शाफ्ट है, तो तीन पार्ट का मैंने डायमेंशन से लेके कैसे मॉडलिंग करना है वो दिखा रखा है। जिसने भी ये दोनों नहीं देखा है वो जाकर देख ले। जो थर्ड मेरा क्लासेस होने वाला है, यहाँ पे हम इस पूरे कंपोनेंट की असेंबली करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होंगे असेंबली के ऊपर होने वाला है। सारा चीजें मैं कैसे असेंबली करेंगे सारे दिखाएंगे, एक एक चीजें जो है आपको मैं यहाँ पे पीडीएफ है, जो है पीडीएफ भी आप देख लेना, क्योंकि किस तरीके से पीडीएफ में बनाना है, आपको पीडीएफ देखोगे तो सारा चीजें समझ में आ जाएगा। इस पीडीएफ के हिसाब से सारा में हम असेंबली करेंगे, और असेंबली में एरर कैसे आती है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे चेक करते हैं, तो एक एक सीधे हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारा सीजन मैं असेंबली में बना के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिसने भी मेरा ये वाला चैनल नहीं देखा, चैनल जाके देख ले, क्योंकि ये जो चैनल है, इस वीडियो में रेगुलर वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे 21,000 के सब्सक्राइबर है, तो इसमें मैं रेगुलर वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। पहले जाके ये वाला भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो में मेंबरशिप वगैरह की आपको फैसिलिटी मिलेंगे, बहुत सारा चीजें हैं। आप एक बार जाके इसको देख लो, क्योंकि इस वीडियो में रेगुलर वगैरह वीडियो डालते रहता हूँ, और जो भी चीजें कराता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से कराता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप देखो, अगर किसी को लाइव प्रोजेक्ट सीखना है, लाइव गोल डिजाइन सीखना है, लाइव टूल डिजाइन सीखना है, क्योंकि यहाँ पे देख पाओगे फोटो के साथ डालता हूँ, तो सारा चीजें यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, जो हमने सारा मॉडलिंग पार्ट तो बना लिया है, अब जो हम इसकी असेंबली करेंगे, तो असेंबली से पहले सबसे पहले आपको न्यू में जाना है। न्यू पे जाने की बात आपको यहाँ पे असेंबली में जाना है। ठीक है, तो दो तरीके से असेंबली होता है, एक टॉप डाउन असेंबली होता है, एक बॉटम डाउन असेंबली होता है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं टॉप डाउन असेंबली क्वेश्चन कौन सा होता है और बॉटम डाउन असेंबली कैसा होता है। ठीक है, तो अभी जो हम असेंबली करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है मैं इसके कलर चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है, तो आपका जो मेन कंपोनेंट है वो मेरा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे मेरा लोअर हाउसिंग है। सबसे पहले मैं लोअर हाउसिंग को ले आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आएंगे नहीं, तो यहाँ को क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेना है पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, सबसे पहले जो पार्ट लोगे, बेसिकली ये फिक्स रहता है। तो यहाँ पे पूछता है कि अब जो है पार्ट को, Do you want to create this fixed constant? अगर करना है yes, नहीं करना है no. तो मैं यहाँ पे yes कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये fixed constant का ये आ जाएंगे। आप देखो जो भी constant लगा रहे हो आप, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे यहाँ पे assembly constant में। अगर इसको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम constant को रहने देते हैं, पहला वाला constant होना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई चीजें रखते हो तो कहीं बेस में रखते हो तो वो हमेशा constant होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम constant करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ले आते हैं, अगर कोई हम जैसे असेंबली में जाएंगे, असेंबली के बाद जब भी कॉन्स्टेंट लगाते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो जाती है, मतलब कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट लेते हैं हम यहाँ पे जाने की बात, अपर हाउसिंग। ठीक है, तो अपर हाउसिंग को क्लिक करते तो ऐसे आता नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम जो है कहीं पे रख देते हैं इसको, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब जो अपर हाउसिंग है इसको अपने को इसके साथ कॉन्स्टेंट करना है, और जो भी कॉन्स्टेंट कराएंगे हम इसको फुल्ली कॉन्स्टेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना ही वो है, सबसे पहले आपको ये करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है आपका कॉन्स्टेंट में जाएंगे, असेंबली कॉन्स्टेंट में जाएंगे। जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे टच में। ठीक है, तो टच में जाने के बाद ये फेस और आपका ये फेस टच में होगा। ठीक है, टच में होगा लेकिन ये घूम गया, तो आपको इसको रिवर्स कॉन्स्टेंट कर देना। ठीक है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद हम इस साइड में जाएंगे, इसको भी हम रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओके हो गया। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता है, इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें अभी फुल्ली डिफाइंड कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर फुल्ली कॉन्स्टेंट करना होता है आपको एक्स वाई जेड में करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाके इसको मैं क्लिक करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे जेड में लॉक नहीं है, जो आपकी कॉन्स्टेंट है ना वो जेड में लॉक नहीं है। तो अगर आपको इसको जेड में लॉक नहीं करोगे तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट देखो, यहाँ पे कॉम्पोनेंट क्या होगा, जैसे डायनेमिक करूंगा मैं, कॉम्पोनेंट इसे मूव हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। देखो इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, इस कंपोनेंट को कांस्टेंट नहीं डाला, ये लाइन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाने के बाद कांस्टेंट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे टच में जाएंगे, तो यहाँ पे ये टच और आपका यहाँ पे ये टच। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ओके कर देते हैं, तो आपको तीनों डायरेक्शन में हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, जाने के बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं इस कंपोनेंट का, तो यहाँ पे नहीं है, ये फुल्ली कांस्टेंट कंपोनेंट है। तो आपको ये पता लग गया कि आपकी कंपोनेंट जो है किस तरीके से फुल्ली कॉन्स्टेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसमें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये आपने बना दिया है,
अब आपने वो क्या है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है कि नहीं ये भी देखना है, पॉइंट टू पॉइंट आपका हो रखा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको असेंबली खोल के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमने इसको लगाया, फिर हमने ये वाला पार्ट लाया। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट है जो आपको यहाँ पे ले आना है, तीसरा पार्ट जो आपको ले आना है, इसमें हम ये करेंगे। देखो इस पार्ट के साथ कौन लगने वाला है, ये वाला लगने वाला है ना, ये वाला लगने वाला है, तो हम इसको ले आते हैं। तो यहाँ पे एड में जाएंगे, जाने के बाद सीधा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या चाहिए, ब्लोअर, ब्लोअर चाहिए मुझे, तो ब्लोअर में ले आऊंगा कहीं पे। लेट्स से मैं ब्लोअर को इधर पे ले रहा हूँ। अब देखो तो ब्लोअर आता है, ब्लोअर को हम कैसे फिट करेंगे। ठीक है, तो ब्लोअर को फिट करने के साथ सबसे पहले देखो यहाँ पे असेंबली में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सारा चीजें मैं बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है, तो यहाँ पे असेंबली में जाऊंगा, जाने की बात सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो ये जो देखो ये क्या है, इंफर एक्सिस एक्सिस, और ये जो है आपका कॉन्सेंट्रिक, ये आपका कोई पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक, और ये आपका एक्सिस टू एक्सिस होगा, तो आपको एक्सिस टू एक्सिस यूज करना है। ठीक है, तो इसका एक्सिस जो है ये ले लिया मैंने, और आपका इसका एक्सिस जो है मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो एक्सिस टू एक्सिस क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, तो ओके कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो फेस है, ये फेस है, इस फेस को आपको एक डिस्टेंस देना है। डिस्टेंस में जाऊंगा, जैसे डिस्टेंस में जाऊंगा, ये फेस और आपका ये फेस, ठीक है, ये फेस आपका और ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला फेस, ये वाला फेस मतलब कौन सा वाला फेस, ये इसके अंदर वाला फेस, ये वाला फेस। ठीक है, तो ये वाला फेस के साथ हम जो है 0.25 का गैप रखे, तो हम दो बाई डिवाइड बाई टू कर देंगे। अब डिवाइड बाई टू क्यों करा हमने, सेक्शन काट के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सेक्शन काट रहा, दोनों में गैप सही है, इक्वल गैप सही, जब इसको बनाया था 0.25 का आपने गैप रखा था, तो इसको हमने 0.25 बाई टू कर दिया कि पार साइड जो है इक्वल गैप रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ये देखना है, जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन काट के रखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन देखते हो आप, तो आपको ये पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे गैप 0.0 है, एकदम 0.0 है, तो यहाँ पे कुछ माइन्यूट सा गैप होना चाहिए, है ना, इसको मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे 0.0 गैप से, यहाँ पे हल्का सा माइन्यूट सा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये रोटेट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये मैंने लगाया, जब भी आप कोई भी पार्ट लगाते हो उस पार्ट को ऐसे में लेके जाने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा देख लेना। अब ये क्या है, लॉक हो रखा है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस में घूम सकता है। ऑब्वियसली मुझे घूमना ही चाहिए, क्योंकि इसका काम क्या है, ये ब्लोअर है, ये ब्लो करेगा, इसमें घूमना ही चाहिए, तो इसका मैं एक्सिस जो है लॉक नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको घूमना ही है, तो यहाँ पे एक्सिस को मैं लॉक नहीं करूंगा, तो यहाँ पे इसको अपडेट डिस्प्ले करके इसको हटा देता हूँ मैं, क्लीन। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ले आते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो मेरा यहाँ आएगा, यहाँ पे हम कॉम्पोनेंट देखते हैं। सबसे पहला जो है हमने लगा दिया है, और लोअर हाउसिंग लगा दिया हमने, मोटर लगा दिया, मोटर लगा देते हैं। तो मोटर दोस्तों यहाँ पे हम कहीं पे लगा देंगे मोटर को। ठीक है, अब मोटर को भी कॉन्स्टेंट लगाना है। मोटर को कॉन्स्टेंट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे, तो इसकी सेंटर और आपकी सेंटर तो सबकी एक ही होगा, क्योंकि बीच में साफ लगने वाला है, तो सेंटर टू सेंटर हमने ओके कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस देना है आपको, जैसे ये फेस से आपको ये फेस का डिस्टेंस देना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसको हम जो है 20 mm जो है 25 mm नहीं, इसको हम 15 mm के डिस्टेंस में रख देते हैं। ठीक है, 15 mm भी ज्यादा है, 10 mm कर देते हैं इसको, 10 mm के डिस्टेंस में इसको रख लेते हैं। अब इसकी कांस्टेंट क्या है, अब क्या कांस्टेंट इसमें हो सकता है, हम देखते हैं। देखो यहाँ पे भी रोटेट एक्सिस हो रहा है, ये तो घूम नहीं सकते, इसको फिक्स करना पड़ेगा आपको। तो फिक्स करने के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, असेंबली कांस्टेंट में जाएंगे। जाने के बाद इसको जैसे मान लो यहाँ पे गया मैं, गया तो यहाँ पे एक कमांड आता है, क्या नाम है, पैरेलल। तो ये वाला फेस जो है ना, ना घूमे, इसके साथ मैं पैरेलल दे लूंगा कॉन्स्टेंट, कर दिया। अब अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ, देने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लो, अभी क्या है, फुल्ली कॉन्स्टेंट हो गया। इसको जो रोटेशन है, इसको मैंने लॉक कर दिया, तो इस फेस के साथ इस फेस को मैं पैरेलल कर दिया, क्योंकि ये 90 फेस है, ये भी 90 फेस है, दोनों को पैरेलल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो आता है कॉम्पोनेंट, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो आता है, यहाँ पे हम जाते हैं, जाने के बाद आपको कवर, लोअर हाउसिंग हो गया, साफ्ट हो गया, अपर हाउसिंग हो गया, ब्लोअर सही है, कवर सही है हमें। ठीक है, तो कवर ले आता है, तो कवर को मैं इसमें ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो स्केच था, जैसे यहाँ पे आपने स्केच बनाया था, एक में दिखा देता हूँ यहाँ पे गलती क्या हुआ था, मैं इसको जानबूझ के गलती कर रखा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे बता पाओ उसको चेक कैसे करेंगे। देखो ये जो है, इसका जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है, ये देखो यहाँ पे जो सर्किल है, 8 mm पीसीडी में, मतलब 8 सर्किल बेस्ड है, मतलब 8 mm डिस्टेंस में सेंटर पे, मतलब 4 mm पर साइड में ना, बेस सर्किल 8 डायमीटर की सर्किल में, ये 8 mm की डिस्टेंस में है, मतलब पॉइंट टू में 8 mm होगा यहाँ से, तो सेंटर जो होगा 4 mm पे होगा, डायमीटर 8 mm सर्किल पे है। ठीक है, अगर ये 8 mm सर्किल है, 8 mm सर्किल पे
ये किया होना चाहिए, इसकी होल और इसकी होल 5 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आता हूँ इसमें मोटर पे आता हूँ, मैं अगर यहाँ पे मोटर में आ रहा हूँ, तो मोटर पे आने के बाद आपको ये देखोगे, ये जो सर्किल है ये सर्किल किसके साथ बन रहा है, 8 BCD में बन रहा है, ठीक है। ये भी कितने में बन रहा है, 8 BCD में बन रहा है। और दूसरा वाला जो अगर हम बात करें इसमें, ये कितने में बन रहा है, देखो ये सर्किल देखो कितने में बन रहा है, इसका डिस्टेंस देखते हैं 8.5 BCD। अगर मुझे ये बताओ, अगर ये 8.5 BCD होगा और 8 होगा, तो दोनों में मतलब 0.5 ऑफसेट है, तो दोनों को फिर कॉन्स्टेंट कैसे करोगे, ये तो होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग में सेम रखना है इसको, अगर फुल्ली कॉन्स्टेंट करना है, इसके साथ बोल्टिंग करना होगा तो हम इसके साथ क्या करेंगे, देखो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। सबसे पहले देखो ये भी एरर आपको पता करना होता है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट वगैरह को सिखाता रहता हूँ, तो इसमें मुझे पता लग जाता है कि किसमें क्या एरर हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम इनफर्ट कॉन्स्टेंट लेंगे ये, और आपका जो है ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आपका। किसका कहाँ से लगा गया, ये इधर से लगा गया, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैं इस फेस को, सॉरी यहाँ पे टच अलाइन नहीं, टच करूंगा, ठीक है, टच, और ये फेस को मैं टच कर देता हूँ, तो ये टच हो गया, दो कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये रोटेशन हो सकता है, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में रोटेशन हो रहा है ना, रोटेशन ऑन है। तो रोटेशन को लॉक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिफर एलाइन यूज करूंगा, ये और ये देखो रेड हो जाएगा, रेड हो गया, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटर से इसका डिस्टेंस सेम ही नहीं है, इसमें होगा ही नहीं कॉन्स्टेंट। तो क्या करेंगे इस केस में, अगर बोलोगे सर इस कमांड से नहीं करते हम, इस कमांड से करते हैं, ये वाला कमांड से करते हैं हम, ठीक है आपकी मर्जी, ये और इसका जो है ये वाला पॉइंट ये सिलेक्ट हो रहा है, ये भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं होगा ना, ऑब्वियसली बात होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पे जाएंगे, जाने की बात, ये जो स्केच था, जैसे मेरा यहाँ हिस्ट्री में है, जैसे ये मेरा स्केच है, इसके बाद ये स्केच है, तो यहाँ पे मैं एरिज केस में जाऊँगा। जाने की बात जो इसकी डिस्टेंस है, जैसे आपने कितना 4.3 है, इसको 4 कर देना है, कर दिया। अब इसको अपडेट कर दूंगा मैं यहाँ पे असेंबली में, कर दिया। अब जाके मैं यहाँ पे असेंबली में जाऊंगा, जाने की बात, अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाऊंगा मैं, समझ में आ रहा है ना मेरी वार्ड को, देखो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट। अब बताओ आपका हो गया, कोई एरर दिखा रहा है? तो ये चीजें है, जब असेंबली में आप गलती करते हो, जब आप पार्ट डिवीजन में कुछ एरर होता है, असेंबली में वो चीजें ठीक कर सकते हो आप, ठीक है, असेंबली में वो सारा चीजें आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे बैठ गया, और एक चीज ध्यान रखने वाला है, जैसे मैंने कॉन्स्टेंट दे रखा है, ये कॉन्स्टेंट जो है इसके साथ होगा कि इसके साथ होगा, ठीक है, या इसके साथ होगा, तो इसको देख लेना है किस डायरेक्शन में इसको आपको फिटिंग करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में एक कॉन्स्टेंट आता है, ये मेरा शाफ्ट आता है। अब हम शाफ्ट को ले आते हैं, शाफ्ट को ले आए हमने, शाफ्ट, ओके, यहाँ पे ले आते हैं इसको, ओके कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कोई है ही नहीं। जब नया पार्ट आता है इसमें एक्स वाई जेड डिग्री ऑफ फ्रीडम लग जाता है, नया पार्ट देखो एक्स वाई जेड डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है ना, ये सही नहीं होता है, तो हम इसको कॉन्स्टेंट करना पड़ता है, क्योंकि कोई पार्ट फ्लोट नहीं होना चाहिए, फ्लोट होगा ना वो चीजें गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे था इसको हम कॉन्स्टेंट करते हैं, कॉन्स्टेंट हमने कर दिया, चलो ठीक है, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं, कर दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी मैंने हटा दिया, एक चीज आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये फेस है और आपका ये फेस है, इसको हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, क्लियर, रिवर्स डायरेक्शन कर दिया, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से डिस्टेंस दे दूंगा, डिस्टेंस ये और आपका ये कितना है, इसको मैं अगर 5 mm कर दूँ तो कितना आगे निकल जाता है, देखो 5 mm में इसको मैं 2 mm कर देता हूँ, तो ये आगे की तरफ निकल के आ रहा है, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब देखो ये घूमना सही है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट किसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा, इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, घूमेगा एक्स में। अगेन हम इसी तरीके से इसको भी देखते हैं, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, घूमेगा, तो दोनों घूमना सही है। इसी तरीके से जो है आप जो है पूरा असेंबली को बनाओगे, ठीक है, तो इसी तरीके से आप पूरा असेंबली को बनाओगे। अगर इसको हाइट करना है कॉन्स्टेंट को, आप कॉन्स्टेंट को जाके यहाँ पे हाइट कर सकते हो, तो यहाँ पे असेंबली है, तो हम जाके इस कॉन्स्टेंट को यहाँ पे हाइट कर सकते हैं, यहाँ से जाके अगर आपको यहाँ तक कॉन्स्टेंट को हाइट करना है,
यहाँ पे जाके हाइड कर सकते हो, तो कॉन्स्टेंट आपका हाइड हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट को हम सोए रखेंगे तो आपको सारा चीजें पता लग जाएगा, और इसको हम असेंबली को यहाँ पे जाके सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे असेंबली का, ठीक है, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आएगा किस तरीके से बनाना है, इसको आपको पूरा बनाना है, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जरूर बना लेना आप, मैंने पीडीएफ भी साथ में रख दूंगा, क्योंकि इसको करोगे आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगे। ध्यान से इसको कर लेना, कहीं पे कुछ चीजें प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से जरूर बात कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना रखता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी एडवांस क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है तो नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हर तरीके से मैं क्लासेस वगैरह कराता रहता हूँ, मोल्ड डिजाइन हो गया, सीट मेटल डाई हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, सीएनसी प्रोग्रामिंग हो गया, हर तरीके से मोल्ड फ्लो एनालिसिस है, तो सभी क्लासेस वगैरह कराते हैं, नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप बात कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।